हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे थे, RRB NTPC एंड रेलवे ग्रुप डी। तो जिसकी डेट आ चुकी है, 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने हैं। तो गाइस, उसी के तर्ज पे आज हम लोग भूगोल के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं 200 प्रश्न के MCQs को सॉल्व कराऊंगा। तो गाइस, हम लोग इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। हम लोग हर वीडियो में 25 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जिससे क्या है, चीज़ों को तोड़ के जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। एक साथ पूरी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, भूलने लग जाती है। तो गाइज, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइज, ये हम लोग का पहला वीडियो है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग आज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो गाइज, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले गाइज, जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचती रहेगी। तो गाइज, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही कॉमन प्रश्न है, और ये RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तो गाइस, इसमें पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, और कुछ रेडियो एक्टिव गैसेस भी पाई जाती हैं। तो गाइस, जो सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज है, तो वो है 79% किसका है, नाइट्रोजन का। और यदि यहीं पे पूछ लेता ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है वायुमंडल में, तो 21। तो इस हिसाब से आप बताइए, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जा रही है, तो नाइट्रोजन 79%। आपको परसेंटेज भी ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 79% है, ऑक्सीजन 21% है। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 1 हो गया है सॉल्व। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कर्क रेखा कौन से अक्षांश में स्थित है। गाइस, कमेंट करके आप बताइए कर्क रेखा कौन से अक्षांश में स्थित है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों का ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, और ये जो है ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है, और ये हम लोग का डिवाइडिंग लाइन है। ये हम लोग का क्या है, डिवाइडिंग लाइन है। तो गाइस देखिए, ये विषुवत रेखा की ऊपर वाला भाग, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये पूरा क्या आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और ये वाला नीचे वाला पूरा रीजन किस में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो कर्क रेखा है कौन से अक्षांश में है, तो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कौन से अक्षांश में स्थित है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा विद्यमान है। और यदि यहाँ पे मकर रेखा पूछ लेता, तो मकर रेखा कौन से अक्षांश में है, तो दक्षिणी अक्षांश में, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो गाइज, यहाँ पे आपके मकर रेखा और कर्क रेखा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नदियों में कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो जो यहाँ पे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा के साथ एक और है ताप्ती, नर्मदा और ये ताप्ती, ये दो नदी ऐसी हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये डायरेक्ट जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो और ये दोनों ऐसी नदी हैं कि ये सिर्फ, ये दो नदी नर्मदा और ताप्ती, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, ये अरब सागर में जाके गिरती है। ये आपका भारत है, यहाँ पे ये वाला पूरा रीजन क्या है, बंगाल का खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये वाला जो पूरा रीजन है ये अरब सागर है। तो ये दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये इसी अरब सागर में जाके गिरती है। तो गाइज, हम लोग का थर्ड नंबर प्रश्न हो गया है सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है। मतलब पूछने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जो है जलमग्न है, कितने परसेंट भाग में जल है। तो कितने परसेंट भाग में जल है, 71% भाग में क्या है, जल है। ये कई बार आपकी जितने भी प्रश्न करा हो, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी इस सब में पूछे गए प्रश्न हैं। तो गाइस, चलिए लोग बढ़ते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। पाँचवा नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए गाइस, जो सिंधु नदी का जो उद्गम है ना, वो तिब्बत से है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी, तिब्बत के मानसरोवर से। तो गाइस, आपका पांचवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए छठवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न है हमारा कि
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी में स्थित है। तो गाइज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी इस टाइप के प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। तो गाइज चलिए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी में स्थित है। तो कौन सा जो ग्रह है वो सब सूर्य से सबसे अधिक दूरी में है, तो अरुण आपका क्वेश्चन नंबर पांचवे का ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अरुण जो है पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है, और यदि यहीं पे पूछ लेता सूर्य के सबसे नजदीक, तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है अरुण और सबसे पास का ग्रह है बुध। तो गाइज यहाँ पे आपको हर प्रश्न के पीछे तीन से चार चीजें आपको पता चलती जा रही हैं। तो गाइज हम लोगों का छठवां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो गाइज सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा कि पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित के मध्य है, मतलब पाक जल डमरू स्थल पूछा गया है। पाक जल डमरू मध्य, मतलब देखिए इस जल डमरू मध्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी देश जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, जैसे ये भारत है और यहाँ पे क्या है श्रीलंका है, तो ये क्या है एक इस प्रकार से एक स्थल के माध्यम से दोनों क्या है जुड़े हुए हैं। इस स्थल को ही बोला जाता है जल डमरू मध्य। तो ये किन दो देशों के मध्य स्थित है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका। देखिए यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जो पाक जल डमरू मध्य है, पाक आ गया मतलब लोग क्या है भारत पाकिस्तान ही समझते हैं, और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन वहीं से पूछता है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये वाला जो रीजन है ना, ये जो आप देख रहे होंगे, भारत और श्रीलंका क्या होता है एक स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जब दो देश समुद्री क्षेत्र में जब एक सिंगल स्थल संधि के माध्यम से जब जुड़े हुए होते हैं ना, तो उसे ही बोला जाता है जल डमरू मध्य, और पाक जल डमरू मध्य मतलब भारत श्रीलंका। तो यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आठवां प्रश्न है हमारा, हमारा आठवां प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण होता है, क्वेश्चन टैग मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है, कंडीशन बताइए। तो चंद्र ग्रहण कब होता है कि जब पृथ्वी जो होता है ना सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब क्या होता है चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये आरआरबी का सबसे लोकप्रिय प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है चंद्र ग्रहण से। तो गाइज आपको इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर आठवां, और गाइज आप लोग टेस्ट के तौर पर इसको सॉल्व करिएगा, आप इसको अपने अलग तरीके से सॉल्व करिएगा, और आप ये भी एनालाइज करिए कि आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तब तो आप अपने आप को मेजर कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मेरे को अभी और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो गाइज आप इसको टेस्ट के तौर पे सॉल्व करिएगा। नवा प्रश्न हमारा, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं सूर्य की, मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं कि सूर्य कब उत्तरी अक्षांश में होता है, कब दक्षिणी अक्षांश में होता है। तो आपको ये चार से पांच चीज़ें आपको एकदम माइंड में सेट करना है, और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए जो 21 जून को ना सूर्य कौन से अक्षांश में स्थित होता है, तो ठीक वो कर्क रेखा के ऊपर होता है। कर्क रेखा के ठीक ऊपर मतलब बात की जाए, ये आपका ग्लोब है, ये आपका विषुवत रेखा है, और ये आपका कर्क रेखा है, ये भारत है। तो ये वाले रीजन में कर्क रेखा में, कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है 21 जून को सूर्य। चलिए अब बढ़ते हैं दसवें नंबर प्रश्न की ओर, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में सातवां स्थान है, प्रथम कौन है, प्रथम रूस है, कनाडा है, चीन है। बता देता हूँ आपको सीक्वेंस, रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है। इस टाइप के सीक्वेंस है आपको, जो भारत का जो नंबर आता है वो सातवां सबसे बड़ा देश है। ग्यारहवां देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये भी। अब बारहवां प्रश्न देखिए, बारहवां प्रश्न है हमारा, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो बिहार राज्य की सीमा भूटान से तो नहीं जुड़ती,
चीन से भी नहीं जुड़ती, बांग्लादेश से भी नहीं जुड़ती, तो किससे जुड़ती है? नेपाल। अब देखिए नेपाल जो है, ये आपका नेपाल है, तो इधर क्या है, उत्तराखंड है। अब मैं बता देता हूँ आपको नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं। ये हो गया उत्तराखंड, ये वाला रीजन हो गया बिहार, ये वाला हो गया पूरा यूपी, तो आपकी इस प्रकार से। और यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, और इधर सिक्किम। इस प्रकार से आपके पांच देश जो हैं वो नेपाल से लगते हैं, और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न के पीछे देखिए 5 से 6 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। महानदी पर निर्मित बांध का नाम, महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो हीराकुंड बांध स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न पूछा गया है आपके ग्रुप डी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। गल्फ स्ट्रीम क्या है? देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है जो किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो अटलांटिक महासागर में। यह भी आपको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र में, अटलांटिक। है ना, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है जो कहां प्रभावित होती है? तो अटलांटिक महासागर में ये प्रभावित होती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए जो चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, किस तारीख को दिन व रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 22 मार्च। पूरे साल में दो दिन ऐसे होते हैं, 23 दिसंबर और 22 मार्च, ये दो दिन ऐसे हैं जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। डेट एकदम याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 23 सितंबर और 22 मार्च, इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि जो होती है वो एक समान होती है। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। सागर में ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? ज्वार भाटा क्यों आता है? तो सागर में ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, सागर में ज्वार भाटा आता है। ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं आपके रेलवे में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली। और गाइज एक प्रश्न और यहाँ से कैसे पूछता है कि भार मतलब कि विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे नवीनतम कौन सी है, तो हिमालय नवीनतम है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नवीनतम पर्वत श्रृंखला, हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये आपके राजस्थान में है, राजस्थान गुजरात राजस्थान है ना में फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है ये। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू है वो, और इसकी मतलब कि माउंट आबू कहाँ पे है, तो राजस्थान में। गाइज ये भी पता होना चाहिए कि अरावली चोटी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट आबू। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां नहीं होते गहरा समुद्र। देखिए डेल्टा होता क्या है, पहले आप ये समझिए। देखिए ये है भारत, ये है हमारा भारत, भारत का ये क्या है, समुद्री तट है। अब डेल्टा क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ से नदी निकली और कोई नदी जाके डायरेक्ट सीधे समुद्र में मिल गई और पता ही नहीं चला हमें कि कहाँ पे जाके नदी मिल गई, यहाँ पे कहाँ पे जाके नदी मिल गई। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे समुद्र और नदी दोनों आपस में जाके मिल जा रहे हैं। इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, एस्चुरी। जो नर्मदा और ताप्ती है ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो जहां पे छिछला समुद्र होता है ना, छिछला मतलब कम गहरा,
तो वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो गाइस डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पे गहरे समुद्र होते हैं, और यहाँ पे क्या है छिछला समुद्र है, ये वाला जो आपका तटीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे छिछला समुद्र है मतलब कम गहरा है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता। डेल्टा का निर्माण यहाँ पे होता है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर, यहाँ पे भूमध्य रेखा बोला है, विषुवत रेखा बोला, सबका एक ही मतलब है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और यहाँ पे जीरो डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही चीज है। तो गाइस वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं कहाँ, भूमध्य रेखा पर। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 21 नंबर प्रश्न है, दिन रात किस कारण से होते हैं? तो देखिए दिन व रात भू परिभ्रमण मतलब का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और मौसम परिवर्तन कैसे का किस कारण से होता है, तो पृथ्वी का सूर्य का पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। 22 नंबर प्रश्न देखिए, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य होता है 22 जून को, सूर्य क्या होता है कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून को, है ना। हर चीज के पीछे का आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, 22 जून को क्यों होता है, कारण क्या है आखिर सबसे बड़ा दिन होने का। तो 22 जून को क्या होता है कि जो सूर्य होता है कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, और भारत क्या है कर्क रेखा में स्थित है, कर्क रेखा भारत को एकदम बीच मध्य से काटती है, इसलिए क्या होता है कि 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए 23 नंबर है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो मृत सागर आप सुने होंगे, मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता युक्त पानी होता है, जो उसका पानी होता है बहुत ही ज्यादा खारा, बहुत ज्यादा खारा होता है, इसलिए उसे मृत सागर कहा जाता है। तो आप गए समझ में आ गया, मृत सागर में जो मृत सागर की जो लवणता है सबसे ज्यादा होती है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी हुई है? तो जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल से हुआ है। अब क्या है मूंगा, देखिए कॉन्सेप्ट में इसको बता देता हूँ कि जो मूंगा चट्टानों का निर्माण क्या हुआ है, कि जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। अब मूंगा क्या है, मूंगा एक जीव होता है जो कि अपने भोजन में कैल्शियम कार्बोनेट खाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है, चूना है। अब ये संख्याओं में करोड़ों में होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या होता है घोंघा होता है, घोंघा तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, जब ये नष्ट होते हैं ना तो इसी प्रकार का एक पहाड़ टाइप से बना देते हैं। इसी प्रकार से क्या हुआ है कि जो आपका लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है इसी प्रकार से मूंगा चट्टानों के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है कि प्रवाल बोला जाता है, इसीलिए इसे प्रवाल बोला जाता है। तो गाइस 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो गाइस सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, तो अरुण ग्रह क्या है पृथ्वी से मतलब सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो गाइस ये हम लोग का टॉप 25 प्रश्न है, और हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के 200 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज हम लोग 25 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो गाइज हमारा जो हर वीडियो रहेगा उसमें हम लोग ज्योग्राफी के 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो और गाइज आपको टेस्ट के तौर पे इसको देना है, और इससे क्या होगा आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा, आपको आंसर सेलेक्टिंग पावर जो होगी ना, आंसर सेलेक्टिंग पावर ये आपकी डेवलप होगी। क्या होता है कि कई बार लोग पढ़ लेते हैं लेकिन सही आंसर को टिक नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज और यहाँ पे साइंस के भी मैंने 40 MCQs को सॉल्व कराया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो गाइज वीडियो छोड़ने से पहले गाइज आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।